आगरा में आबकारी विभाग ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के कई प्रमुख कैफे और रूफटॉप बार पर छापेमार कार्रवाई की। यह कार्रवाई विभाग को मिली बिना लाइसेंस और खुले में शराब पिलाने की सूचनाओं के आधार पर की गई। आबकारी विभाग के अधिकारियों को सूचना पर शहर के कुछ कैफे और रूफटॉप बार बिना उचित लाइसेंस के शराब परोस रहे हैं और खुले में शराब पिलाने की गतिविधियों में लिप्त हैं। इस आधार पर विभाग ने डार्क नाइट कैफे, स्काई ब्लू, विंटेज कैफे और द पब्लिक कैफे पर छापा मारा। आगरा में आबकारी विभाग की छापेमारी के दौरान विभाग को इन कैफे और बार में बड़ी मात्रा में बिना लाइसेंस की शराब मिली है। इसके साथ ही कई अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। अधिकारियों ने इन सभी कैफे और बार के मालिकों को तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही बिना लाइसेंस के शराब परोसने के आरोप में संबंधित कैफे के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग के निरीक्षक ने बताया कि हमें लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ कैफे और रूफटॉप बार बिना लाइसेंस के शराब परोस रहे हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने इन स्थानों पर छापा मारा। हम इस मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोग भी हैरान और चिंतित है। पास के रहने वाले एक निवासी ने बताया कि यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि हमारे आसपास के कैफे और बार बिना लाइसेंस के शराब परोस रहे थे। आबकारी विभाग की यह कार्रवाई सराहनीय है और इससे अन्य अवैध गतिविधियों पर भी रोक लगेगी। आबकारी विभाग अब इस मामले की विस्तृत जांच कर रहा है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं और भी ऐसे कैफे और बार तो नहीं जो बिना लाइसेंस के शराब परोस रहे हों। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगरा में आबकारी विभाग की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई ने शहर के अन्य कैफे और बार मालिकों को भी सतर्क कर दिया है। विभाग ने साफ किया कि वे नियमित रूप से इस तरह की जांच पड़ताल करते रहेंगे ताकि शहर में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि न हो सके। इस कार्रवाई ने एक बार फिर से यह संदेश दिया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सी न्यूज़ के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।